हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे और अपने नौजवान बच्चों से इस बात की आस और उम्मीद रखेंगे क्योंकि अपने देश के लिए आप गोल्ड से नीचे नहीं डालते। कमलप्रीत कौर 64 मीटर्स उसने डिस्कस थ्रो किया है और पहले 10 जो क्वालिफायर्स हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने एक लड़की क्वालिफाई की है ओलंपिक्स में। आज ही उनका इवेंट है, मोस्ट प्रोबली अब चल ही रहा होगा। हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि वो भी 64 मीटर से ऊपर लगाए। उम्मीद है तो डिस्कस की भी नौजवान बच्ची है, हमारा शॉटपुट का लड़का भी है, हॉकी और वेमेन हॉकी और मेन हॉकी में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और वी हैव टू कैच देम यंग, ट्रेन देम यंग, गिव देम ऑल द फैसिलिटीज, और उसके बाद आप देखोगे बहुत ज़्यादा हमारे नौजवान बच्चे तरक्की करेंगे। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। भारतीय महिला और पुरुष दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ सांसद प्रताप सिंह बाजवा, जो इंडियन जूडो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के भी प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओलंपिक से सर अच्छी खबर ये है कि दोनों ही टीमें पहुंच गई हैं और उसमें पंजाब का बहुत स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन है। आज के दिन महिला टीम में जो एकमात्र गोल हुआ वो पंजाब की एक बेटी ने किया है। देखो, हमें इस बात का बहुत फख्र है कि हम पहले हिंदुस्तानी और बाद में हम पंजाबी, तो मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। 41 साल के बाद मेंस हॉकी, जो एक टाइम पर हिंदुस्तान का सारी दुनिया में नाम एक ही स्पोर्ट में था, हम वर्ल्ड चैंपियंस थे और ओलंपिक चैंपियन थे हॉकी में, और 41 साल के बाद आज कल हमारे नौजवान भाइयों ने या बच्चों ने एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन में ब्रिटेन को 3-1 से हराया। और जहां आपने नौजवान बच्चियों का जिक्र किया है, वहाँ ये भी बताना चाहता, तीनों के तीनों गोल पंजाब के नौजवान हमारे बच्चे और बेटे थे जिन्होंने ये किया है। भारतीय होने का भी फख्र है, पंजाबी होने का भी फख्र है। और दूसरी साथ में महिलाओं की टीम हॉकी की, वो भी जो एकमात्र गोल हुआ वो पंजाब की बेटी का था। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे और अपने नौजवान बच्चों से इस बात की आस और उम्मीद रखेंगे कि अपने देश के लिए आप गोल्ड से नीचे नहीं लाना। सारे देश का ध्यान है कि जहां किसी टाइम पर दुनिया के इतिहास में ओलंपिक्स में जब इंडियन टीम जाती थी तो पता होता था कि एक मेडल तो पक्का आएगा और वो भी गोल्ड होगा और वो भी हॉकी का होगा मेंस में। और नौजवान हमारी बेटियों ने भी बहुत स्टेलर परफॉर्मेंस की है। मुझे ये उम्मीद है कि दोनों स्वर्ण पदक जो हैं जीत कर देश का नाम सारी दुनिया में रोशन करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। बाजवा साहब, 8 गोल्ड जीत चुका है भारत ओलंपिक में। पुरुषों की अगर बात करें, 1980 में जो मास्को में ओलंपिक हुआ था जिसमें सेमीफाइनल नहीं हुआ था, आखिरी बार हम लोगों ने वहां जीता। लेकिन मैं बजट की बात करता हूँ, खेल की बात सब करते हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार में जो खेल के ऊपर बजट था उसमें कटौती की गई, तो आपको लगता है, एक तरफ आप कहते हैं कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दीजिए, इतनी लोगों के अंदर उम्मीद है कि गोल्ड जीत के लाए, लेकिन सरकार ने बजट में कटौती कर दी। देखो, मैं इस मौके पर कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये खुशी का मौका है। सभी सरकारें कोशिश करती हैं कि हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो मैं आज की मौजूदा सरकार का एक बहुत बड़ा क्रिटिक भी हूँ, मगर मैं इस बात पर अब आलोचना नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बात हमारे देश की, ये जॉइंट देश के सारे ही हिंदुस्तानियों की इज्जत और मान का सवाल है। एक दफ़ा टीम को इधर आने दीजिए, अगर कोई कमी पेशी होगी फिर आपसे जिक्र करेंगे। आज तो खुशी की बात ही करें, कमी पेशी ना निकालें। पंजाब की एक और बेटी डिस्कस थ्रो में है, जो अभी शायद कुछ ही मिनटों के बाद वो मैच शुरू हो जाएगा, उनसे भी बहुत उम्मीद है कमलप्रीत से। वो भी हमारी नौजवान बच्ची पंजाब की कमलप्रीत कौर, 64 मीटर्स उसने डिस्कस थ्रो किया है और पहले 10 जो क्वालिफायर्स हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने एक लड़की क्वालिफाई की है ओलंपिक्स में। आज ही उनका इवेंट है, मोस्ट प्रोबली अब चल ही रहा होगा। हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि वो भी 64 मीटर से ऊपर लगाए। दूसरे नंबर पे है, मोगा का है तूर,
और ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल. सो हमारी उम्मीद है डिस्कस की भी नौजवान बच्ची है, हमारा शॉटपुट का लड़का भी है, हॉकी और वेमेन हॉकी और मेन हॉकी में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. और इसमें एक जैसे नमाया एक टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नौजवान बच्चे जो सुन रहे होंगे आपके टीवी चैनल के जरिए, जलंधर की आउटस्कर्ट्स पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है संसारपुर. एक टाइम ऐसा था कि 11 में से जो विन ओलंपिक 1956 और 60 की टीम थी उसमें तकरीबन 8 प्लेयर एक गांव के थे. ये वो गांव है जहां से हमारे कांग्रेस के एमएलए प्रगट सिंह जो किसी टाइम इंडियन हॉकी के सेंट्रल हाफ भी थे और कैप्टन भी रहे हैं, उनका वो गांव है. एक टाइम पर ओलंपिक्स में 11 में से 8 प्लेयर एक गांव के थे. तो आप देखिए कि कितना पोटेंशियल है हिंदुस्तान में. ये ठीक है कि हमें नीचे से काम शुरू करना होगा और आगे से इम्प्रूवमेंट हो रही है. और सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट ये है कि नौजवान बच्चियां हमारी जो हैं दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर. अभी तक 2 मेडल्स आए, एक सिल्वर आया है वेटलिफ्टिंग में, वो भी नौजवान बच्ची हमारी नॉर्थ ईस्ट की है. और बैडमिंटन का जो सिंधु ने जीता वो भी नौजवान बच्ची जो है. सो आउट ऑफ 2 मेडल्स दैट वी हैव वन, बोथ मेडल्स हैव बीन वन बाय अ वुमेन एथलीट्स. तो मैं समझता हूँ कि आगे भी हमारी नौजवान बच्चियाँ भी अच्छा करेंगी. और नौजवान बच्चों को भी ये है कि आप तगड़े होकर हमारी नौजवान बच्चियों का मुकाबला कीजिए और थोड़े से मेडल और लेकर आइए. बाजवा साहब, आप खुद भी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, आपको लगता है 130 करोड़ के देश में अगर समय रहते समय से तैयारी की गई होती तो हम बहुत ज़्यादा और पोटेंशियल है हमारे स्पोर्ट्समैन में और ज़्यादा पदक जीत के आ सकते हैं. शायद हमारे देश में स्पोर्ट्स को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, आपको लगता है? नहीं, ये मैं समझता हूँ पिछले 10-15 साल से ये रुझान बदला है. आगे से आप देख रहे हो कि बहुत सारा वो एरिया जो बिल्कुल देश से भी कटा हुआ था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ मैं जैसे जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ की भी एक नौजवान हमारी बच्ची है, वो भी नॉर्थ ईस्ट की थी. शी वॉज द ओनली ओलंपिक क्वालिफायर इन जूडो. वो ठीक है कि वो ओलंपिक पर जाकर तो कई दफ़ा प्रदर्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती, बट ये भी बहुत बड़ी बात है क्वालिफाई करना वहाँ तक. सो मैं समझता हूँ आते टाइम में जैसे नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारा देख कनेक्टिविटी आगे से बढ़ रही है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहाँ एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अब बनाई जा रही है. तो ये सारी बातों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आते टाइम में आप देखोगे हिंदुस्तान लगेंगे 10-15 साल जरूर. देखो हमारे बिल्कुल कॉम्पिटिटर चाइना था, मगर चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली. इंडिया भी तरक्की करेगा, इट विल टेक सम मोर टाइम, क्योंकि अभी हम जो नौजवान बच्चे पकड़ते हैं वो बेसिकली जाकर कॉलेज में जाकर हमें पोटेंशियल उनका नज़र आता है, मगर बच्चों को पकड़ने का टाइम बेसिकली 10 साल की छोटी उम्र से है. जिमनास्ट हो या किसी गेम में भी अगर एक्सेलेंस होती है आप देखते हैं प्राइम है 20 साल, 20 से कुछ जैसे फुटबॉल है हॉकी है ये तो 25-26-27 साल तक भी चलता है, मगर बहुत सारी स्पोर्ट्स जैसे फील्ड इवेंट्स हैं वो 20-22 तक आप बिल्कुल टॉप परफॉर्म करते हो, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है. सो ये पीरियड 5-7 साल का ही होता है. तो इसलिए वी हैव टू कैच देम यंग, ट्रेन देम यंग, गिव देम ऑल द फैसिलिटीज, और उसके बाद आप देखोगे बहुत ज़्यादा हमारे नौजवान बच्चे तरक्की करेंगे. धन्यवाद. तो साफ तौर से बाजवा जी का कहना है कि आने वाले 10-15 सालों में भारत की भी तस्वीर बदलेगी और भारत बहुत सारे मेडल जीत के ओलंपिक जैसे इवेंट से आएगा, और समय रहते और कम उम्र से बच्चों को ट्रेन करके और उनको फिर आगे फील्ड में इवेंट में उतारने से उससे उसका ज्यादा फायदा आने वाले वक्त में होगा. कैमरामैन आकाश के साथ अजय साहब, दैनिक सवेरा. अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है. रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नु कोई कट नहीं सकदा. काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं. परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है. वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ. की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो. लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स. 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे. अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी. जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तो हर गल गुप्त रखी जाएगी. अलीशा.